अच्छा व्यूतर, शादी के बाद पहली ईद कैसी थी साहबा? शादी के बाद पहली ईद अच्छी थी बहुत। आपको याद है कुछ? मुझे तो याद ही नहीं, भूल गए। नहीं नहीं, फौरन रमजान आ गया था, अब आपको याद होगा। हाँ हाँ, अब बताओ। ये तो हाँ, फौरन रमजान आ गया था, और जो है कि मुझे कुछ पकाना नहीं आता था। इनके जो पेरेंट्स थे, अल्लाह जन्नत में उनको जगह दे, वो चले गए थे पिंडी वापस अपने छोटे बेटे के पास। तो मैं अकेली, अब मुझे रोटी नहीं पकानी आती थी और मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता था। तो मैं एक दिन सारी रात ट्राई करती रही सहरी तक, तो मेरे से नहीं बनी। तो इन्होंने भी कोऑपरेट नहीं किया, डांट दिया मुझे। डांटा? हाँ। तो सुने, आपको पता नहीं था पहले? नहीं, रोजा मैंने रखना है और मुझे तंदूर की रोटी खानी नहीं है, मुझे तो घर की चाहिए। मैं तो वो सादी रोटी, ऊपर हल्का सा देसी घी, थोड़ा सा सालन, उसके बाद दूध पत्ती के साथ एक रोटी और। हाँ। ये मेरी है। Eventually तो आ गई ना फिर आपको? आगे ऐसा सिखाया फिर मैंने आपको सिखाया। अच्छा मुझे एक बात बताइए रामू, आप सच सच बताइएगा, पहली लड़ाई किस बात पे हुई थी शादी के बाद? शादी के बाद पहली लड़ाई, रोटी पे पहली लड़ाई वो हुई थी, कुत्ता ले आए थे घर में। सही से कौन सा? नहीं ऐसे ही मुझे, मैंने कहा यार होना चाहिए पेट, और मुझे पता नहीं था। नहीं, खुद ये बिजी होते थे, कहीं गए हुए हैं, कभी डबिंग पे गए हुए हैं, कभी शूट पे गए हुए हैं, तो कुत्ता भौंकता रहता था, तो और मैं सो नहीं सकती थी, तो उस वजह से फिर मेरी आधी रात को मैंने इनको बुलाया डबिंग से बुलाया, और उसे मैं गाड़ी में बिठा के फिर मैं जाके दोबारा गाड़ी में वो बैठा रहा, मैं डबिंग करता रहा, फिर मैं उसे सुबह साथ लेके आया वापस। लेकिन मुझे एक बात सच से बताइएगा, कितनी दफ़ा आपको साहिबा मैम ने कहा है कि रैम्बो तुम बदल गए हो? नहीं, एक दफ़ा भी नहीं। एक दफ़ा भी नहीं कहा? सच, ये बात सच है क्या? हाँ, क्योंकि ये बदले नहीं। ये अच्छी बात है। क्या ये अच्छी बात है? उनकी शक्ल पे एक्सप्रेशन। प्लीज साहिबा का एक क्लोज अप। मैं कहना चाहती थी कि आप बदल गए हैं, लेकिन मौका ही नहीं मिला। एक क्लोज अप साहिबा का प्लीज बनाइए। ये अच्छा अच्छा सवाल, ये पहले आज से पहले कभी नहीं है। पहली दफा आया ये सवाल। ये असफर ने किया है भाई। बदल इनको कोई नहीं बदल सकता, प्लीज। बहुत कोशिश की मैंने लेकिन नाकाम हो गई। लेकिन असवर, मेरी यही आदत है, मैं जैसा था ना गेस्ट हाउस से लेके आज तक, मैं वैसा हूँ, मुझ में तब्दीली नहीं आ सकती। मैं अपने अंदर ला ही नहीं सकता, मैं वैसा ही हूँ। मुझे नीचे बिठा दो, मुझे सोफे पे बिठा दो, मुझे खड़ा रखो, मुझे कोई कम्प्लेक्स ही नहीं है, कोई मसला। लेकिन मैं आपको बताऊँ रैम्बो समय के बारे में, एक बात बताता हूँ, मैं जितनी बार भी मिला, मैंने को फर्स्ट टाइम मिला था जब मेरे साथ एक ड्रामा ही कुछ किया था, ये इतने बड़े स्टार और इतनी इज्जत दे के मिलते हैं, मुझे हमेशा से एक छाप नहीं दिमाग में रह जाती, इतनी इज्जत दे के मिलना, शायद वो ड्रामा किसी ने भी नहीं देखा होगा। मेरे कहा सर, मेरे अभी एक्टिंग स्टार्ट की, साउथ भाई के घर पर मैं गया था, तो वहाँ पर इतनी अच्छी तरह इन्होंने खाना भी खाया मेरे साथ, आप भी थी, आप और जवेरी और ये सब साथ बैठे हुए थे, मुझे अभी तक याद है। ये आई थिंक ये कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आपके स्टार्स जिनको आपने देखा होता है इन सिनेमा ऑल योर लाइफ, जब वो आपके साथ इतना अच्छा रिएक्ट करते हैं, तो वो ऑफ कोर्स एक छाप छोड़ जाती है। खवातीन